हाथ में तलवार और गेट पर वार करता हुआ सीसीटीवी में दिख रहा ये युवक गुना से बीजेपी विधायक गोपी लाल जाटव का पोता विवेक जाटव है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीरपुरा में एक घर के गेट पर तलवार से वार कर रहा है। ये घर उस युवती का है जिसने आरोपी विवेक जाटव से बात करने से मना कर दिया था। इसी से खफा होकर आरोपी युवती के घर पहुंचा था, जहां उसने युवती के परिजनों को डराने के लिए तलवार से गेट पर कई वार किए। आरोपी की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे पीड़ित युवती ने पुलिस को सौंपकर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा है। वो खुद के रसूखदार परिवार से होने की धौंस दिखाता है। उसने आरोपी के खिलाफ पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। विवेक जाटव है, वो मुझे परेशान करता है। मैं कॉलेज जाती हूँ, 2 तारीख को मेरा पेपर था 12 बजे। उसने मुझे रास्ते में रोका, बोला कि मुझसे बात कर, और बोलता जब आपके कहते हैं फ़ोन पर बात कर मुझसे, और मुझे बुलाता है ज़बरदस्ती और मेरा हाथ पकड़ लेता है। और रात को क्या कहते हैं घर पर आया था 5 तारीख को, और तलवार लेकर और मम्मी पापा को और सबको जान से मारने की धमकी देता है, और ऐसे फेंकने की कहता है, मुझसे बोलता है जितनी अगर खूबसूरत बनती है उतना ही बदसूरत बना दूंगा। कौन कौन है ये? कौन विवेक जाटव है। किसका? गोपीलाल विधायक का। गोपीलाल विधायक का नाती है, और कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम तो यहाँ के राजा हैं। तो आपसे करीबन कब से परेशान कर रहा है जी? ये मुझे 1.5 साल से परेशान कर रहा है। जब मैं 12th क्लास में थी, मेरी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, और अभी मेरे कॉलेज के पेपर चल रहा है। अभी मेरे 5 पेपर हो चुके हैं, और इसके वजह से अच्छे नहीं आए हैं। तो आप इससे पहले FIR क्यों नहीं करवाई? इससे पहले आए थे, कोई एक्शन नहीं लिया और समझा को बोल दिया था, अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब आए थे ना, तो वो नाती है ना, वो विवेक जाटव कहता है, पुलिस स्टेशन में भी कहता है कुछ कह मत देना। कितने लोग घर पे आए थे? 4 पाँच लोग आए थे। वहीं इस मामले में आरोपी के दादा और गुना से बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए शर्मनाक बयान दिया है। गोपीलाल जाटव ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि घटना के लिए उसके पोते को उकसाया गया है। दोनों के बीच विवाद काफी दिनों से चल रहा था। उसने कुछ दिन पहले भी युवती के माता पिता को बुलाकर समझाया था। मुझे तो अभी जो है ना पता लगा था, लेकिन जो है ना मतलब ना ये उसको उकसाया गया, और जो है ना ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके साथ साथ जो है ना मतलब ना ये जो है काफ़ी दिन से जो है ना ये वाद विवाद चल रहा है। मैंने कल भी उसके माँ बापों को समझाया था, उसके दादा दादी को समझाया था, बुलाया था, और इसके बाद में कल जो है ना मतलब ना रात को जो है मतलब ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। इसके बाद जो है मतलब ना मैं इसकी जानकारी और लूँगा। इधर इस मामले में एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, जिसमें आरोपी विवेक जाटव और युवती के बीच प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एक लड़की के द्वारा विवेक जाटव के खिलाफ शिकायत की है, छेड़छाड़ के संबंध में, डराने धमकी और मारपीट के संबंध में शिकायत की, जिस पर अपराध कायम किया जा रहा है। बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि विधायक गोपीलाल जाटव के पोते हैं, ये संबंध में अभी विवेचना के दौरान ही पता चला है कि उनकी आपत्ति क्या है। आरोपी के दादा गोपीलाल जाटव बीजेपी से 6वीं बार विधायक हैं। जाटव पिछली बार अशोकनगर से विधायक थे। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ कब तक कार्रवाई कर जेल भेजती है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।